Assalamu alaikum to your class, book, computer, unit number 1, page number 14. Today we will do the filling the blanks and true false of this chapter. Number 1 hai, printouts are called dash. Kehte hai, printouts are also called dash. Printouts ko kya kaha jata hai? Upar option diye gaye hai, space bar, hard disk, software, CPU ya hard copies. Printouts ko kaha jata hai, hard copies. H-A-R-D, hard. C-O-P-I-E-S, copies, hard copies. First blank में आएगा, hard copies. दूसरी है जी, dash is the longest key on keyboard. वो कहते हैं, keyboard पे सबसे longest key कौन सी होती है? Space bar. Blank में आएगा, space bar. S-P-A-C-E, space, B-A-R, bar, space bar. दूसरी blank में आएगा, space bar, ठीक है? थर्ड वन क्या है, डैश इज़ फिक्स इनसाइड द सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट के अंदर वो कहते हैं क्या चीज़ फिक्स होती है. ऊपर वाले हम ऑप्शन देखेंगे, स्पेस बार हो गया, हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क जो होती है सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स होती है. एच ए आर डी, हार्ड, डी आई एस के, डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है. थर्ड ब्लैंक में आ जाएगा, हार्ड डिस्क. फोर्थ है जी, डैश इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट रन आउट That runs on the computer. Set of instructions किसको कहते हैं? Software को. S-O-F-T, soft, W-A-R-E, software, ठीक है. Fourth blank में हमारी आ जाएगा, software. Fifth वाला है, dash control all the functions of a computer system. Computer के सारे system क्या control करता है जी? CPU. CPU जो है computer के सारे system control करता है. CPU. तीनों हमने letters capital लिखने हैं. लास्ट ब्लैंक है, डैश लुक्स लाइक ए टीवी. टीवी की तरह का क्या लगता है? मोनीटर. एम ओ एन आई टी ओ आर, मोनीटर जो है वो टीवी की तरह का लगता है, ठीक है. ये पिक्चर बनी हुई है मोनीटर की, ये टीवी की तरह लगती है. ये हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स हो गई हैं. आप लोगों ने ये अपनी बुक्स पे लिख भी लेनी है और ये आप लोगों ने याद भी करनी है ब्लैंक्स, ठीक है. अल्लाह हाफिज़ क्लास.